कानून जो है उस कानून को झारखंड के किसान या झारखंड की जनता इसको पसंद नहीं कर रही है, और ये कानून जो है किसान के हित में नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जो हैं और जो देश के कृषि मंत्री हैं, ये बड़े बड़े पूंजीपतियों के दबाव में ये कानून लाए हैं, और हमें लगता है कि सत्ता का बहुमत का असर देखने को मिल रहा है। आनन फानन में जबरन ये कानून लाया गया। निश्चित तौर पर इस कानून को हम लोगों ने नहीं मानने की बात नहीं कही, हमने कहा कि चर्चा हो, सदन में चर्चा होनी चाहिए, क्या फैक्ट है क्या नहीं है, किसके हित में बना है नहीं बना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये बात शायद विपक्ष को अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरा आज भी मैं कहना चाहता हूँ, ये कानून को किसी कीमत पर हम लोग नहीं मानेंगे और झारखंड में लागू हम लोग नहीं होने देंगे। इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। राजनीति की बात नहीं है, देखिए हम लोग जमीन से जुड़े हैं, हम लोग किसान के परिवार से आते हैं, और हमें लगता है कि आप मीडिया बंधु भी किसान के परिवार से ही आते होंगे। और जब किसान खुशहाल नहीं होगा और किसान को मारा जाएगा, बताइए, कॉर्पोरेट के कहने पर आप जमीन ले रहे हैं, जिसके लिए कानून हम लोग ला रहे हैं उसको ही पसंद नहीं है। आज 3 महीना से किसान लोग धरना पर दिया हुआ है, उसके बाद भी अब अगर इस तरह से बात भाजपा के नेता करते हैं तो हमें नहीं लगता कि ये अच्छी बात है।